सतगुरु मेरी आत्मा और मैं संतम रोम रोम में गुरु साजू बादल बिच मेर गुरु गोबिंद बहुत सुंदर शब्द कहा गया है गुरु, और गुरु का अर्थ क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है प्रकाश। और जो व्यक्ति भले हमसे छोटा हो हमसे बड़ा हो, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमको गलत मार्ग से सच्चे मार्ग की परख करवाए, वो होता है गुरु। जो हमें ज्ञान की सीख दे वो होता है गुरु। तो बिल्कुल जिन जिन के सर पर गुरु महाराज का हाथ है, जो जो गुरु धारण किए हुए लोग हैं, बिल्कुल आनंद के साथ ताली के साथ भजन को निभाइएगा। वो सतगुरु आया पावन हो, परमेश्वरी आया पावन, सतगुरु आया
तो यू विराजमान जो तक सत्यनारायण जी ने कथा चल रही है। हाँ चुपचाप एकदम, कोई मतलब नहीं है। देखिए भजन संध्या है और जब तक आनंद नहीं लोगे तब तक आनंद आएगा नहीं सब। आप खुद को आनंद देना पड़ेगा। भले मैं पूरी रात्रि गाऊं, ये पूरी टीम आपके समक्ष भले पूरी रात्रि बजाए, आपको ऐसे आनंद नहीं आएगा। जब तक आप आनंद को अंदर से महसूस नहीं करोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। और ये आनंद तब आता है जब हम नाच के भजनों पे अपने हाजिर देते हैं इस दरबार में। अगर माता बहनों के नाचने की इच्छा हो तो आपके भी बहुत सारी जगह पड़ी है, आप गुरु महाराज का बदामना कर सकती हो। और आप किसी मुख्य बिल्कुल देसी वंदना गा रही हूं मैं। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को आनंद के साथ नाच के अपनी हाजिर देनी चाहिए। अगर मैं सही बोल रही हूं ना, देखिए गौ माता के निमित्त अपनी भजन संध्या पूरी सजाई गई है इस दरबार में। गौ माता के सेवा के निमित्त, गौ माता की रक्षा के निमित्त, तो हम सभी को आनंद लेना चाहिए। आनंद लेके इस भजन संध्या को सफल बनाना है। अरे गुरु मारो पर सपन सही ना,
भजनों का आनंद किस किस को आ रहा है? अगर भजन का आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ खड़े करके ताली के साथ, अरे सतगुरु द्वार मेरा भाई बोले अलग निरख गुण गावना, गौ मात की, कृष्ण कन्हैया लाल।